ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ वेलकम टू वानिक दिस इज रजत सर फैकल्टी ऑफ जीएस देखो आज गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको पढ़वार अच्छे सर है आटोमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स ओके देखो आटोमिक न्यूक्लियर फिजिक्स रे तीन टा जिनस एग्जाम रे बहुत इम्पोर्टेंट आसे सेटा न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर एवं आम समस्त जानू आटोमिक बम भी जो आटम बम जो यूएसए जापान पकड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार्रे से कौटी थी ना से आटोमिक न्यूक्लियर फिजन ऊपर थिला ओके तो आटोमिक आउ न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़िया पई हेले गुटे बेसिक कांसेप्ट छ जानो अच्छा मते कह आटम जो अछि ये आटम कहा कहा को नेके छि आटम नेके छि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को आउ न्यूट्रॉन को जते भी आटम अछि तीन टा जिनिस को नेके छि गुटे हला प्रोटॉन आउट हला इलेक्ट्रॉन आउट हला न्यूट्रॉन अच्छा जदि मु कहबी न्यूक्लियस कथा ताहाले मु कहि परबी कि प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन को लेकर हेछि न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन माने ता चारि पटे रिवॉल्व करचोन सिंपल इलेक्ट्रॉन माने ता चारि पटे तो रिवॉल्व करचोन बट प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन को लेकर हेछि कोन ना न्यूक्लियस जदि मु इलेक्ट्रॉन मानंकर आउ न्यूक्लियस मानर न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन ल कोन करबी ना मु न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी ऊपर डिस्कशन करी बा एमानुकु मु केमिति भाबरे कि न्यूक्लियस को केमिति भाबरे मु वर्क करी परिबी बा टेक्नोलॉजी रा केमिति यूज करी परिबी बा एटम मानंकु नैकिरी मु केमिति का न्यूक्लियर पावर प्लांट बने परिबी या विषय जो साइंस डील करे ताकु कहा जाए एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बोली कहा जाए तो आमर जे मुद्दा हला कि आम माने जे पढ़ीबो कि न्यूक्लियर फिजन कोन आ न्यूक्लियर फ्यूजन कोन अच्छा प्रथमे आसला न्यूक्लियर फिजन कोन आमे प्रथमे फिजन पढ़ीबा तापर पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन को देखो छुआ जिते बड़े गोटे वार्ड आसे फ्यूजन यार माने हला कि जिते बड़े स्प्लिट हम गोटे जिनस स्प्लिट हे कहे फ्यूजन बोली कहा जाए एग्जांपल मन कर मुझे कहबी कि मन कर गोटे ऑब्जेक्ट एमती अच्छी ये ऑब्जेक्ट स्प्लिट हो गला ये गोटे पार्ट हो गला ये गोटे पार्ट हो गला तो जिते बड़े गोटे ऑब्जेक्ट स्प्लिटिंग हुए कहा जाए फ्यूजन आम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ु कि फ्यूजन प्रोसेस रे रिप्रोडक्शन करती एनिमल्स माने तो एक्जाक्टली तुम सेमती कहीपर कि न्यूक्लियर फ्यूजन भी सेमती का कि न्यूक्लियस गोटे भांगी जब आम जस्ट पढ़िलु कि न्यूक्लियस क्या क्या नहीं न्यूक्लियस नहींकर कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लेकिन से कह न्यूक्लियस भांगला जो एनर्जी रिलीज हुए ताकू कहा जाए हूँ जो एनर्जी रिलीज हुए कहा जाए न्यूक्लियर एनर्जी आउ कौन ना न्यूक्लियर को जो न्यूक्लियस फ्यूजन है जो न्यूक्लियर फ्यूजन है जो एनर्जी तो रिलीज हे सहित किसी न्यूट्रॉन भी रिलीज हे चलो से प्रोसेस केमती हुए प्रथम थर पर ये प्रोसेस को डिस्क्राइब करते स्ट्रेसमैन एंड हान गोटे नाम साइंटिस्ट थे स्ट्रेसमैन आउ हान ये दु जन प्रथम थर पर कौन डिस्कस करमिका न्यूक्लियर फ्यूजन हुए बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन केमती हुए देख ना जिते बड़े यूरानियम 235 गोटे न्यूक्लियसटा ये यूरानियम 235 जिते बड़े कौन हुए ना यूरानियम 235 जिते बड़े गोटे फ्री न्यूट्रॉन सहित मिस जाए जिते बड़े फ्री न्यूट्रॉनटा आसिक यूरानियम 235 सहित बम्बार्डमेंट करे जिते बड़े कौन हुए ना यूरानियम 236 अनस्टेबल एटम तैयारी करे अच्छा अनस्टेबल एटम तैयारी कला दुनिया सबुठ अनस्टेबल एटम है यूरानियम 236 कौन हम ना ये तार स्प्लिट करदेव स्प्लिट है कौन हम ना गोटे क्रिप्टन 3692 दब जार क्रिप्टन जार आटमिक नंबर 36 आउ मास नंबर 92 दब आ गोटे कौन दबो ना बेरियम जार आटमिक नंबर 55 आउ कौन ना मास नंबर 141 एबे एक्चुअली हैला कौन कि ना बेरियम 141 क्रिप्टन 92 ये मिसला पर होची 233 किंतु एक्चुअली मास नंबर केते थिला हमर 236 आउ जो तीन टा रहिले ये तीन टा हला फ्री न्यूट्रॉन एक्चुअली प्रॉब्लम एट क्रिएट हुए प्रॉब्लम कोड क्रिएट हुए ना जते बेले गुटे न्यूक्लियस रो स्प्लिट हुए हते बेले तीन टा फ्री न्यूट्रॉन बाहर ये जो तीन टा फ्री न्यूट्रॉन बाहर ये जो तीन टा फ्री न्यूट्रॉन बाहर अगेन ये तीन टा फ्री न्यूट्रॉन आउ थरे न्यूक्लियर फ्यूजन करंती जहा को हम समस्त जानिचु
चेन रिएक्शन हिसाब से एवं न्यूक्लियर फ्यूजन कौन बुझेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन सिंपल है कि गोटे न्यूक्लियस स्प्लिट है जो एनर्जी बाहर से एनर्जी को कहा जाए न्यूक्लियर एनर्जी एवं ये न्यूक्लियर एनर्जी को आम वेरियस टाइप्स वर्क काम लगे पार एग्जांपल कह पार आम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज कर पारा सेकंड कौन एग्जांपल ले पारिबो कि आम माने न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी बने पारा लाइक एटम बम बने पारिबा ये बहुत सारा वेपन टेक्नोलॉजी रे काम लगे पारिबा सिंपल बुझिला कि नहीं एबा ए जो न्यूक्लियर फ्यूजन रो चेन रिएक्शन कौन तुम सब स्क्रीनशॉट ले पारिबो यार तुम जो कहबो कि ये चेन रिएक्शन कौन मु किसम आगे यहाँ पढ़ेली कि जिते बड़े गोटे यूरानियम 236 यूरानियम 236 स्प्लिट हो जाए ये स्प्लिट है क्रिप्टन तो दबो बेरियम तो दबो किंतु आउ कौन दबो ना तीनटा फ्री न्यूट्रॉन दबो ए जो तीनटा फ्री न्यूट्रॉन देला ये तीनटा फ्री न्यूट्रॉन पुणी थरे यूरानियम 236 तैयार करिवो अगेन ये पुणी तीनटा फ्री न्यूट्रॉन दबो ये पुणी तीनटा फ्री न्यूट्रॉन माने गोटे कौन ना कौन गोटे कंप्लीट चेन है ना नहीं ए जो कंप्लीट चेन रिएक्शन है ये प्रोसेस को कहा जाए चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन बोली कहा जाए बुझे कि नहीं अच्छा ये जो चेन रिएक्शन पुणी छुआ दी प्रकार था टू टाइप्स था यार माने कौन अच्छा जदि ये न्यूक्लियर फ्यूजन जदि ये न्यूक्लियर फ्यूजन लो जो चेन रिएक्शन टाक आम कंट्रोल करदबा कहा जाए कंट्रोल चेन रिएक्शन प्रथम जिनस चेन रिएक्शन हुए कहीं चेन रिएक्शन एथपाई हुए क्या बारंबार जो फ्री न्यूट्रॉन थाए ये फ्री न्यूट्रॉन माने अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन न्यूक्लियर फ्यूजन करते एवं ये फ्री न्यूट्रॉन को जदि मु कंट्रोल करी पारली ताने कंट्रोल चेन रिएक्शन जहार काम होला न्यूक्लियर रिएक्टर काम लगे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जहां तुम कही पार कि ये आटम बम रे काम लगे आटम बम देख ये पार कि आटम बम रे काम लगे अच्छा मत कह ए अनकंट्रोल प्रथम कंट्रोल ये जो फिगर तुम देखी पार ये फिगर रे कि एक सहित गोटे स्टेप पर आ गोटे स्टेप साइमल्टेनियसली थ्री टाइप्स रो साइमल्टेनियसली कौन होता ना थ्री टाइप्स रो बा तीनी गुणा बा थ्री एक्स स्पीड रे एनर्जी रिलीज होता ए जो एनर्जी थ्री एक्स बाहर एमती गोटे समय आसो एका सहित बिलियन जूल एनर्जी बाहर जहाँ को आम समस्त कही पार कि न्यूक्लियर रिएक्टर आटम बम तैयारी न्यूक्लियर रिएक्टर आटम बम तैयारी ये आटम बम कहीं तैयार हुए ना साइमल्टेनियसली बहुत सारा एनोरमस अमाउंट रे एनर्जी आसिले कही पार आम कि ये आटम बम हो क्लियर हे एवं जीवा नेक्स्ट पाक कि अनकंट्रोल पर अच्छा प्रथम थर पर किए आपको तैयारी करता ना प्रथम थर पर आमेरिका जापान न्यू एटम बम पकड़ तुम आपको लिखिपर मुझे कहली कि न्यूक्लियर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन केमती हो पार एवं जीवा नेक्स्ट कंट्रोल चेन रिएक्शन कौन अच्छा कंट्रोल चेन रिएक्शन बहुत सिंपल छुआ मुझे कहली ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन हैनिटा फ्री न्यूट्रॉन बाहर मुझे जस्ट कहली कि न्यूक्लियर फ्यूजन है तीनटा फ्री न्यूट्रॉन बाहर ये जो तीनटा फ्री न्यूट्रॉन मुझे कौन करी ना प्रति स्टेप गोटे गोटे फ्री न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करदे प्रति स्टेप गोटे गोटे फ्री न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करदेवि केवल गोटे हवा को छाड़ी तो मत कह फाइनाली ये गोटे ही रिएक्शन हो ना तम मैंने से थ्री एक्स स्पीड रे मल्टीप्लाई हेला बेले केवल ये ये स्टेज रे कौन होता थ्री एक्स ना एक्स स्पीड मल्टीप्लाई होता यार माने कही पार तुम कि आपको आम कंट्रोल करके चाड़ू एवं जो एनर्जी रिलीज होता से एनर्जी कौन थी से एनर्जी कंट्रोल एनर्जी थी ए एनर्जी को आम आम फ्यूचर में आटम बा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूज कर पार एवं कंट्रोल चेन रिएक्शन सब बढ़िया एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ को आम पढ़िया कि न्यूक्लियर रिएक्टर कौन चलो आम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन टे पढ़दा न्यूक्लियर रिएक्टर तक तुम सामने जो स्ट्रक्चर अच्छी गोटे टिपिकाल न्यूक्लियर रिएक्टर काम ये न्यूक्लियर रिएक्टर कौन टे भलसे देख प्रथम जिनस ये न्यूक्लियर रिएक्टर चारिटा पार्ट तुम एग्जाम बारंबार आसे चार्टा पार्ट कौन कौन अच्छे ना प्रथम आस मॉडरेटर काम कौन ना मॉडरेटर काम होला न्यूक्लियर फ्यूजन को स्लो डाउन करवा सेकंड जिनस आसो कि कंट्रोलर काम कौन कंट्रोलर काम होला न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करवा थर्ड कौन ना थर्ड आसो फ्यूलर काम कौन ना फ्यूलर काम होला कि फ्यूल जुगेबा आम जान ना जमी काम सेमती का फ्यूल जुगेबा एवं आउ गोटे कौन आसो ना कोलांट क्या कह जाए ना पूरा कंप्लीट न्यूक्लियर फ्यूजन लो कोलांट काम होला कि ये कोलांट द्वारा आम कौन कर पारिबा ना स्टीम जेनेट कर पारिबा एवं ए स्टीम को लेकर टर्बाइन घूर पारिबा एवं टर्बाइन लेकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर पारिबा सिंपल
ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କାମ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଅ ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ପଡ଼ିଲେ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପୋଲୋନିୟମ୍ ଆଉ ୟୁରାନିୟମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଲ୍ରେ ସରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଲ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଲଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପୋଲୋନିୟମ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବେରିଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋରନ୍ ଆଣ୍ଡ କାଡ଼ମିୟମ୍ ବୋରନ୍ ଆଉ କାଡ଼ମିୟମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଡ୍ରେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମଡରେଟର୍ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା ମଡରେଟର୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆଉ ହେଭି ୱାଟର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଲେଖିଦେବ ମଡରେଟର୍ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମଡରେଟର୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆଉ ହେଲା ହେଭି ୱାଟର୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆଉ ହେଭି ୱାଟର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କାହାକୁ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସରି ମଡରେଟର୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବୋରନ୍ ଆଉ କାଡ଼ମିୟମ୍କୁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଲଡ଼୍ରେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଲଡ଼୍ରେ ନା ଫ୍ୟୁଲ୍ ଲଡ଼୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପୋଲୋନିୟମ୍ ଆଉ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କୋଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କୋଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ କହିପାରିବ ତୁମେ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏ କୋଲ୍ଡ କୁଲ୍ ୱାଟର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଏକ୍ଟର୍ର ପ୍ରଥମ ମକସଦ ଏ ହେଲା କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି ତାଠୁ ଷ୍ଟିମ୍ କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଷ୍ଟିମ୍ କାଢ଼ି ସାରି କ'ଣ କରିବା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ଇଏ ତାଙ୍କ ଟିପିକାଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଏକ୍ଟର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ'ଣ ଛୁଆ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଶମାଗୁରୁ ଏହା ପଢ଼େଇଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଭି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାକା ଯିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏନର୍ଜିକୁ କୁହାଯିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଏଇ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ କାଢ଼ିପାରିବା ଯଦି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଆଟମ୍ ବମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା ତ ତା ମାନେ କହିବା ସାର୍ ଅନ୍କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବଟ୍ ଏବେ ଆସିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ମିଶିଯିବା ୟାର ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ସହିତ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବିଶେଷ କରି ସନ୍ ପାଖରେ ହୁଏ ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ବାହାରୁଥିବା ଏନର୍ଜି ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ବାହାରୁଥିବା ଏନର୍ଜିର 100 times ଅଧିକ ତା ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ର ବାହାରୁଥିବା ଏନର୍ଜି 100 times ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଦେନ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିଲାନି ତା ମାନେ ତମେ କହିପାରିବ ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ସନ୍ ପାଖରେ ହେଉଛି ଏ କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ଛୁଆ ଦେଖିଦିଅ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଟାଇଟ୍ରମ୍ ସହିତ ମିଶିବ ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ଗୋଟେ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଟାଇଟ୍ରମ୍ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା H12 ଟାଇଟ୍ରମ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା H13 ସେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଛୁଆ ନା ସେତେବେଳେ ହୁଏ କି ତମେ କହିପାରିବ କିଛି ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହିଲିୟମ୍ ଆସିବ ହିଲିୟମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ 2HE4 ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆସିଲା ଏ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ଇଏ ଏନର୍ଜି କୁହାଯିବ ଥର୍ମୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଏନର୍ଜି କାହିଁକି ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଏନର୍ଜିରୁ ଆସୁଥିବା ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଏନର୍ଜିକୁ କୁହାଯାଏ ଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜି ସରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଫ୍ୟୁଜନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଏନର୍ଜି କୁହାଯାଏ ଥର୍ମୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଏନର୍ଜି ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ର କଥା ତା ମାନେ ଇନ୍ ଦ ନଟ୍ସେଲ୍ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଏନର୍ଜି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଏନର୍ଜି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପାଖରେ କମ୍ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପାଖରେ ଥାଏ ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେବେ ପଢ଼ିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ କରିପାରିବ କି ତମେ ୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ନେଇପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଇଏ ତମର ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ